का वक्त और रात के वक्त में हूँ तलिता। तो ये दे सकते हैं इस टाइम, दे सकते आप, ये मदर नहीं दिख रही है, लेकिन ये दे सकते हैं इस टाइम, ये भी आ चुकी हैं। और चलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे। एक नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपके अपना जिसा नली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है नाइट का होने जा रहा है, और दिन में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था। तो जस्ट अभी मैं घर पहुंचा ही हूँ और यहाँ से फिर से मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज है मदर्स डे, तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। तो अभी आज मैं जो हूँ, अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, अभी केक लेके आऊँगा, तो हम यहाँ केक कटिंग करेंगे अपनी मम्मी के संग। तो उसका थोड़ा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से केक कटिंग करी है। और थोड़ा सा मैं तल्लीताल जा रहा हूँ, वहाँ काम है, तो थोड़ा सा तल्लीताल का क्षेत्र मैं दिखा दूंगा आपको। उसके बाद फिर मैं आके घर में आऊँगा, तो घर से थोड़ा व्यू दिखाऊंगा क्योंकि आज ये नाइट का ही व्लॉग होने जा रहा है, थोड़ा घर का व्लॉग होने जा रहा है। तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और उम्मीद करूंगा कि व्लॉग आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर कीजिए। और रोज़ अपडेट देने का मतलब यह है कि रोज़ आपको नैनीताल के बारे में कुछ ना कुछ मिलते रहे, अपडेट मिलती रहे, नैनीताल आप घर बैठे देख सकें। अगर नैनीताल नहीं आ पा रहे हैं तो आपको, अगर आपके घर में गर्मी हो रही है खूब, तो आप नैनीताल के व्लॉग देख के और मेरे व्लॉग देख के आपको थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस हो, क्योंकि आप सोचेंगे नैनीताल हम देख रहे हैं, नैनीताल में ऐसा वेदर हो रहा है, इस तरीके से लेक है, इस तरीके से हवाएं चल रही हैं, तो आपको आप ठंडा ठंडा महसूस करना। वैसे तो आप घर में रहते होंगे तो आपका कूलर भी चलता होगा, पंखा भी चलता होगा, तो आप थोड़ा सा महसूस करना ठंड। तो ये मेरा व्लॉग देने का मकसद है। अगर आपको कहीं पे परेशानी हो रही है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम आके चैट भी कर सकते हैं, तो मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, तो आप मुझसे आने से, नैनीताल आने से पहले मुझसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कहाँ पे होटल लेना चाहिए, कहाँ पे रेस्टोरेंट सही है, वेज खाना तो वेज खाना है, नॉन वेज खाना तो नॉन वेज कहाँ पे खाना है, होटल किस प्राइस में मिल रहा है, क्या रेट चल रहा है, हमें टैक्सी से घूमना है तो टैक्सी कैसे मिलेगी, हमें बाइक रेंट पे चाहिए, स्कूटी रेंट पे चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, किस रेट पे मिलेगी। परसों ही मैंने, कल ही मैंने बाइक का स्कूटी का व्लॉग डाला है, उस पर भी आप घूम सकते हैं रेंट पे लेके आराम से, एक दो दिन आराम से बिंदास घूम सकते हैं। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ नाइट का नज़ारा कैसा है। तो जैसा आप देख रहे हैं, यह है रात का वक्त और रात के वक्त में हूँ तल्लीताल रोडवे स्टेशन के पास, क्योंकि आज ये नाइट का व्लॉग आने का मकसद यह है कि कहीं मैं गया हुआ था इसलिए मैं नाइट को शूट कर रहा हूँ ये। तो यह है रात का वक्त, तो ये देख सकते हैं आप इधर से, ये दिख रहा है आपको मल्लीताल का इलाका पूरा ये, और सामने ही आपको ये जो दिख रहा पानी, ये लेक है नैनीताल के सामने, नैनीताल की लेक ये देख सकते हैं। काफ़ी टूरिस्ट हैं, मतलब आज यहाँ भी हैं और हमारे मालोड में भी हैं, तो ये देख सकते हैं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम, तो काफ़ी रात का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है, जैसा आप देख ही रहोगे मेरे ब्लॉग के माध्यम से रात का ही नाइट का नज़ारा। जो ये लाइटें दिख रही है संबंधित ताल की तरफ दिख रही है आपको लाइट, इधर की तरफ आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल काम है यहाँ पर, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है इस टाइम, ये देख सकते हो ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे इससे देखते हैं कैसा व्यू है और कैसा नज़ारा है। तो ये देख सकते हैं इस टाइम यह केक, और आज है मदर्स डे, तो उसमें हम ये केक काट रहे हैं। और जो व्लॉग है आज लेट, काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, तो इसलिए ये व्लॉग अभी शूट कर रहा हूँ। ये केक लाए हम बाज़ार से, तो अभी काट रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं इस टाइम। और ये देखिए चॉकलेटी कलर और येल्लो फ्लावर और माँ लिखा हुआ है इसमें। सकते आप ये मदर्स डे के उसमें आप देख सकते हैं, ये हम केक काट रहे हैं, केक काट रही हैं, देख सकते हैं मदर्स डे, ये हैप्पी मदर्स डे। तो काफी लेट व्लॉग आएगा, ये देख ही सकते हैं आप, ये कटा भाई, केक कट गया है, मॉडर्न की मॉडर्न बात, मदर्स डे वीडियो कॉल भी चल रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से केक कट रहा है, चलिए अब हम खाते हैं, वीडियो कॉल भी चल रही है। तो जैसा आप देख रहे हैं ना, इस टाइम मैं घर आ गया हूँ और घर से ये रात का नज़ारा है, नाइट का नज़ारा है। अभी मैंने आपको तल्लीताल से दिखाया, फिर मैं घर आया, फिर जो है मदर्स डे था, केक काटा, उसके बाद फिर मैं आपके अपने जो कमरा है मेरा उसके बाहर से ये व्यू दिखा रहा हूँ मैं। और आज व्लॉग मेरा काफ़ी लेट हो गया क्योंकि दिन में मुझे कहीं टाइम नहीं मिला, कहीं मैं गया हुआ था, तो मैंने सोचा आज का दिन का जब मैं ऐसा नज़ारा दिखाता हूँ तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं आपको रात का नज़ारा दिखा दूँ।
और रात के नज़ारे में कुछ ऐसा है। तो लगभग थोड़ी सी लाइटें जो है नीचे की बंद हो चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा फुल जो लाइटें नहीं दिख रही हैं, लेकिन यह रात का नज़ारा जैसा आप देख रहे हैं। और बीच में जो आपको दिख रहा होगा ये लेक है, आप समझ ही गए होंगे कि लेक, अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं दिन में भी कैसे दिखता है और नाइट को कैसा दिख रहा है ये, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है नाइट को। और बादल बिल्कुल भी नहीं है, तारे जिम जिम रिम जिम तरीके से दिख रहे हैं। और अभी वेदर की बात करें तो वेदर यहाँ पे हल्का हल्का ठंडा है, हल्का सा है, दिन में काफ़ी अच्छा गर्म हो जा रहा है, धूप आ जा रही है, तो काफ़ी मतलब घूमने में मज़ा आ रहा है। और अभी मैं माल रोड से ही होते हुए आया, तो माल रोड में काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी रौनक है माल रोड में, काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है नैनीताल, तो काफ़ी लोग घूम रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि माल रोड की जो शॉप होती है वो आजकल लगभग उनको 12 बज जा रहा है बंद होने में, तो कुछ रेस्टोरेंट भी जो खुले हैं माल रोड के वो भी 12 बजे तक खुले रह रहे हैं, और गाड़ी पड़ाव के पास भी, तो 10-11 11:30 बजे तक आपको डिनर आराम से कर सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको घूम सकते हैं। और अगर यही हमारे यहाँ विंटर होते हैं जाड़ों होते हैं, तो जाड़ों में लगभग 7-7:30 बजे तक सारी दुकानें मार्केट बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मेरा कैमरा जहाँ पे है ये पूरा आपको नैनीताल का व्यू दिख रहा है, ये कुछ नाइट का नज़ारा ऐसा होता है नैनीताल का, अभी आपको तल्लीताल से दिखाया मैंने। और बीच रास्ते में मैंने व्लॉग कहीं शूट नहीं कराया क्योंकि घर में जल्दी आना था केक लेके, जैसा अभी आपने देखा। तो ये तो था हमारा नाइट का नज़ारा कुछ इस तरीके से। और नैनीताल अब आज मैं जैसा देख रहा था कि रूसी बाईपास में गाड़ियों को रोक रहे थे और वहाँ से शटल सेवा से नैनीताल भेज रहे थे, तो सैटरडे संडे कुछ ऐसा ही चल रहा है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अगर आपका होटल में रूम बुक नहीं है, तो आपको फिर 10 किलोमीटर पहले ही रोक देंगे, फिर उसके बाद आपको शटल सेवा से नैनीताल आना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आप नैनीताल पहुँच पाएंगे। नहीं तो अगर आपका रूम वूम नहीं हुआ तो फिर आपको वहाँ से लौटा देंगे, या बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद आपको फिर नैनीताल में एंट्री मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से अपडेट थी, और यह है नाइट का नज़ारा जैसा आप देख रहे हैं। ये देख सकते हैं इस टाइम ये भी आ चुकी हैं, और कितनी चीज ला रही हैं, देखिए ये कितनी चीज लाई है, बाप रे। कुरकुरा नहीं दिया अंकल ने, मैंने कुरकुरा भी कहा था। कुरकुरा नहीं दिया, तो आज ही गई थी शादी में, तो शादी में क्या करा आपने जाके? गए छोले भटूरे खाए। मैं नीचे, कैमरा मेरे नीचे है। गए छोले भटूरे खाए, आ गए छोले भटूरे खा के, देखिए आ गया और वहाँ रुके भी नहीं। और ये हिसाब जोड़नी है, मुझे कुरकुरा नहीं लाई है, और पेड़ा मेड़ा ले आई है, कुछ ऐसी स्टेप से ले आई है, मस्ती अमूल ले आई है, और कुछ इस तरीके से चिप्स लेकर आ रही है, और ये खाती रहती है। ये देखो वहाँ भी छोले भटूरे खा के आ रही है, और लस्सी भी इनकी, ये लस्सी दिखा रही है इस टाइम, और ये कह रही है बिस्तरा दिखेगा, बिस्तरा तो पहना वो वैसे। ये देखिए इतनी चीज इनकी पहली से, ये लस्सी है इनकी, ये देखिए इतनी चीज़ें खा रही हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए चॉकलेट इनकी, ये देख सकता है, और इस टाइम बड़ी सुनसानी हो रही है क्योंकि मैंने टीवी भी नहीं चला रखा है। जस्ट अभी हम आधे घंटे हुआ है घर पर आए हुए, तो मैं सोचा क्यों ना आपको व्लॉग के माध्यम से घर की एक्टिविटी थोड़ी दिखा दी जाए, थोड़ा ये भी होना चाहिए कुछ अलग हटके। तो इस तरीके से देखिए इन्होंने चीज़ अपने दराज में रखी, उधर की तरफ भी सोती है, उधर की तरफ इन्होंने चीज़ रखी है, तो कितनी चालू है आप देख सकते हैं, उधर की तरफ भी सोती है, उधर की तरफ चीज रख रखी है, तो यार ये कैसा है इंसाफ ही हमारे संग, भाई तो बड़ी ना इंसाफ ही है ये हमें दे रही है। तो कुछ इस तरीके से देखिए ये चीज लाई थी आज, तो सबको बाय कर दीजिए। फाइनली यहाँ पे जो है मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट कर लिया, आज का लोगों को पसंद है तो लाइक करेगा, मेरे चैनल जैसा नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाथ हाथ इसलिए हिल रहा है आज, कैमरा मैंने नहीं पकड़ा, कैमरा इन्होंने पकड़ा है, इसलिए मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और साथ में व्लॉग का एंड भी कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, टेक केयर।